हाय गाइस, अभी आज फ़िलहाल हम रिव्यू करने वाले हैं वीवो 1603, जो कि एक 2016 का मॉडल है और काफ़ी अच्छा मॉडल है। 2016 में मैंने इस फ़ोन को अपने मॉम को गिफ्ट किया था और ये अभी भी काफ़ी टकाटक चल रहा है गाइस। मतलब इसमें कोई मुझे तकलीफ़ तो नहीं लगती। देखिए गाइस, ये वीवो 1603 है, इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है, 2GB रैम और 2650mAh की बैटरी है, तो काफ़ी सही फ़ोन है ये। मतलब जब लिया था उस हिसाब से तो अभी भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है गाइस, और इसमें मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ बीच में एक बार बंद हो गया था, चालू ही नहीं हो रहा था, बट उसके बाद उसको 2-3 दिन छोड़ दिया मैंने, फिर वो ऑटोमेटिकली चालू हो गया। इसके अगर कैमरा की बात करें गाइस, तो फिर ये काफ़ी डिसेंट सा कैमरा है और जिसमें सेल्फीज़ भी अच्छे से आती है और सारी चीज़ें अच्छी ही है। मतलब यार, वो जो इसका प्राइस रेंज है उस हिसाब से ये कैमरा काफ़ी सही है। इसको क्लिक करके देखते हैं तो रेयर कैमरा है, वो भी काफ़ी सही होना चाहिए। इसका रेयर कैमरा है ये, एक्चुअली मैंने कवर इसको लगा के रखा है, इसके वजह से सीन हो गया। तो गाइस, इसका रेयर कैमरा भी जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और लो लाइट में भी हम जाके चेक करेंगे इसे थोड़ा सा, काफ़ी सही कैमरा दिखा रहा है गाइस। ये जैसा चाहिए हम लोग उसको वैसा शूट कर सकते हैं गाइस। मतलब काफ़ी डिसेंट सा कैमरा है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। इसमें हम लोग हमारे ये भी कर सकते हैं गाइस, जैसे चाहिए वैसे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही लाइट नहीं है गाइस, देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत कम लाइट है, बट ये कम लाइट में भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से। इसका फ्लैश भी काफ़ी सही है गाइस, जैसे मैं आपको फ्लैश निकाल के बता रहा हूँ। तो ये फ्लैश भी काफ़ी सही है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारे कैमरा में। अगर इसको मैं फ्लैश से चालू कर दूंगा तो ये काफ़ी सही है। सो गाइस, इस फ़ोन को मेरे हिसाब से लगभग हो चुके हैं 6 साल, 2016 से अभी तक कितने साल होते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 4 या 5 साल हो गए गाइस, और ये 4 या 5 साल के हिसाब से काफ़ी सही चल रहा है ये फ़ोन गाइस। सो अभी के नए वीवो फ़ोन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा नए वीवो फ़ोन्स यूज़ नहीं किए हैं। ये फ़ोन का साउंड भी काफ़ी डिसेंट सा है, और इसमें पुरानी वाली जो चार्जिंग केबल होती थी और कनेक्टर होते थे वो यूज़ होते थे। तो इन जनरल गाइस, ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगता है। ये फ़ोन मैंने तभी लिया था लगभग 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये के आसपास कुछ, तो गाइस काफ़ी सही है और मुझे अभी भी ये फ़ोन सही लगता है, क्योंकि यार अभी भी चल रहा है यार। 5 साल बाद भी जब भी मैंने इसको अपना सेकंड फ़ोन जैसा यूज़ करना चाहा तो ये काफ़ी सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका कैमरा काफ़ी सही है, जैसे इसमें भी कांदे रखे हुए हैं। अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं और पास की चीज़ों की करना चाहते हैं तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से काफ़ी सही है गाइस। मैं अभी फ़िलहाल तो काफ़ी लेजी हूँ गाइस कि मैं आपको फ़ोटो निकाल के इसका बता दूँगा, अलग से नहीं दिखाऊँगा गाइस, मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। ये फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी काफ़ी सही कैमरा है गाइस। जैसे ये इस कांदे को हमने यहाँ पे रख दिया है और इस कांदे का फ़ोटो हम निकालेंगे गाइस, अभी देखते हैं कैसे फ़ोटो आता है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो गाइस, इसका क्लोज़अप के लिए भी काफ़ी सही है। इसका फ्लैश बंद कर देते हैं तो गाइस देखिए, तो ये देखिए गाइस काफ़ी डिसेंट सा फ़ोटो है ये गाइस। और अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, तो फ़ोटोग्राफी ऐसी चीज़ है गाइस कि आजकल के हर स्मार्टफोन में हो सकती है। इसकी डिटेलिंग देखिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है ये। मतलब जब ये फ़ोन निकला है उस हिसाब से ये जो हाईलाइट्स यहाँ की ब्लो हुई है, मेरे हिसाब से इसको हम लोग एडिटिंग में रिकवर कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो उस हिसाब से सेटिंग करके फ़ोटो हम खींच सकते हैं गाइस। हम आपको और एक दो फ़ोटोज़ बता देते हैं निकाल के। ये वही ग्लास है गाइस जो हम इसमें हम कॉफ़ी पीते हैं, तो आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि ये फ़ोन में काफ़ी काफ़ी सही सा
फ़ोटो आ जाते हैं गाइस। और ये फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी भी इसकी काफ़ी सही है। ये देखिए गाइस, काफ़ी सही सा है। हाँ मम्मी, कुठला फोन? मतलब यह सेकेंड हैंड में अगर यह फ़ोन आपको अभी 2000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा मेरे हिसाब से, तो यार ये फ़ोन भी काफ़ी सही है यार। सोचो मत ज़्यादा कुछ, बस ले लो। अभी तो ये फ़ोन शायद ही मिलेगा, बट अगर कहीं मिलेगा और आपके पास कोई फ़ोन नहीं है तो आप ये मत सोचो कि आपको सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हाँ डेफिनेटली आप इसके अंदर कोई गेम्स ज़्यादा अच्छे खेल नहीं सकते, जैसे कि पबजी नहीं खेल सकते, बेसिक गेम खेल सकते हो। जैसे कि इसके अंदर मैंने डॉक्टर वुल्फ करके गेम डाउनलोड किया है जिसमें वो मुझे चेस सिखाता है। तो गाइस यार पबजी वबजी ज़्यादा खेलो मत, अच्छे गेम्स खेलो जिससे आपको कुछ सीखने मिले। तो ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट है और 5 साल बाद अभी भी काफ़ी सही चल रहा है गाइस।